बहुत अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं दूध दुलारी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये ग्रीन कलर की जेली है, मैंने हाफ का पैकेट का हाफ लिया है। ये है येलो जेली, ये है रेड जेली। अच्छा, ये है मल्टी कलर सवैयाँ, ये बाज़ार में मिल जाती हैं मल्टी कलर सवैयाँ। ये है चॉकलेट चिप्स, ये है क्रीम, ये है कॉर्नफ्लावर। बाज लोग इसमें कस्टर्ड भी डालते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो उसमें कॉर्नफ्लावर डलता है। ये है कॉकटेल, उसका छोटा वाला डब्बा मैंने लिया है। ये है वाइट चमचम और ये है गुलाब जामुन। ये है कंडेंस मिल्क और ये है ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ये है जेली बनाने के लिए एक कप हमें चाहिए होगा। आधा किलो मैंने इसमें दूध लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध को मैंने थोड़ा सा पका लिया। अब मैं इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवैया डाल दूंगी, और जब तक ये थोड़ा सा उबाल ना आ जाए इस तरह इसको चम्मच चलाते रहना ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। मैंने ये एक कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अभी जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें जेली डाल के इसको अच्छी तरह पका लूंगी ताकि इसके सारे क्रिस्टल्स खत्म हो जाए और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जेलीज बन गई हैं। अच्छा, इनको फ्रिज में मत रखिएगा, इनको यही रूम में रखिएगा। रूम टेम्परेचर पे ही है ना ठंडी हो जाएंगी और बिल्कुल सेट हो जाएंगी। इसको इनको फ्रिज में मत रखिएगा। ये देखिए, ये सवैयाँ जो हैं गल गई हैं। अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। इसमें अच्छा, चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वह फिर टू मच हो जाएगा मीठा, तो मीठा हमने बैलेंस रखना है, इसलिए हमने चीनी जो है वो 2 चम्मच ही ली है। हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि ये कम है तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। मेरा दूध जो है वो 1/2 लीटर है, तो उसी लिहाज से मैंने ऐड किया। अभी मेल्ट हो गई है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालूंगी। इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, थिक नहीं करना है, थोड़ा लिक्विड ही रखना है क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद ये मजीद जो है गाढ़ा होगा। पांच मिनट इसको पकाएंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, और ये फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मजीद क्या करेंगे फिर आपको बताते हैं। ये जी, इस तरह हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो है अपने बाकी चीजें डालेंगे, जैसे कंडेंस मिल्क डालना था वो डालेंगे। मैं कंडेंस मिल्क डाल दिया मैंने, अब मैं इसमें क्रीम भी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ गई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अब हम इसमें ये सारा फ्रूट डाल देंगे। आप जेली डाल देंगे, आधी हम ऊपर डाल देंगे, आधी हम नीचे डाल देंगे। ये देखिए, जरा कलरफुल लगेगा इससे। ये देखिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। थोड़े बहुत गुलाब जामुन और चमचम भी डाल देंगे, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। ये देखिए, अच्छा, इसको ठंडा करके खाइएगा, ठंडा ठंडा बहुत मजे का लगता है। ये ठंडा ठंडा करके फिर आप जो है इसको इस्तेमाल कीजिएगा।
ये देखिए चॉकलेट चिप्स हैं, ये इस तरह आप लगा दीजिए चारों तरफ। हमारी दूध दुलारी तैयार है।